जौनसार के भोरी गांव में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व। आपको बता दें कि देहरादून जिले के अंतर्गत जौनसार परगना क्षेत्र के भोरी गांव में बड़े ही धूमधाम से इगास पर्व मनाया गया। भोरी गांव में 3 और 4 नवंबर को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ साथ भक्तगणों ने भगवान परशुराम के मंदिर में माथा टेका और परिवार के साथ सुख शांति की कामना की। यदि हम जौनसार बाबर की बात करें तो इगास पर्व बोरी गडोल डिमो गाँव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बोरी गांव से एक निकट स्थित है जहां परशुराम महाराज का पौराणिक मंदिर है। यहां 2 वर्ष कोरोना के कारण इगास पर्व पर रौनक फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार पुनः भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि 3 नवंबर को भक्तगण एकत्र होकर मंदिर में पूरी रात जागते हैं और भगवान परशुराम महाराज के दरबार में अपनी मन्नत पूरी करने की कामना करते हैं। भक्तों को रुकने में परेशानी ना हो इसलिए मंदिर समिति द्वारा भजन कीर्तन और संगीत की भी उचित व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कलाकारों को बुलाया अपनी सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें धर्मेंद्र परमार, नरेश बादशाह, सन्नी दयाल, सीताराम चौहान आदि कलाकारों ने समा बांध दिया। भक्तगण गानों और भजनों पर झूम उठे। वहीं काशी ब्लॉक प्रमुख मठूर सिंह भी माथा टेकने बोरी गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने समुदाय में सड़क से गाँव तक एंटी लॉक टाइल लगवाने का वादा किया। वहीं भाजपा सीएम मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ने मंच में से ही मठूर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी पिछली घोषणा भी अधर में लटकी हुई है। आपने मंदिर के लिए 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आपने 1 भी रुपया नहीं दिया। खैर चलिए, आपको ले चलते हैं रात्रि कार्यक्रम की कुछ झलकियों की ओर। चिल्ली गया तो इटली चली गई, इटली चली गई। सोचा कि जान दे दूं बिजली की तार से, तार पकड़ा तो साली बिजली चली गई। ओढ़ के मुंजी में ले बाटो उगली छूटा टापू, छेद खोलते छेद आपू। देखे इतने बेकलाकार की झूठ रोको। देखो मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूँ कि ऐसे कलाकारों को सम्मानित किया जाए। ये हमारे जौनसार भावर की शान है और हमारी बहुत संस्कृति, पुरानी संस्कृति धरोहर है। बहुत 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 सुंदर।
रात्रि प्रोग्राम के बाद 4 नवंबर को प्रातः 9 बजे भगवान परशुराम महाराज और मां रेणुका की पालकी गांव के समीप शाही स्नान के लिए ले जाई गई, जिसके बाद विधि विधान से मंदिर में प्रवेश किया गया और भक्तों ने अपनी मुरादें पूरी करने की भगवान के आगे अपनी अर्जी लगाई। साथ ही मंदिर समिति गांव की विवाहित और अविवाहित लड़कियां तथा दानदाताओं ने मिलकर विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य, भाजपा नेता रामचंद्र नौटियाल, गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर ने भी मंदिर में माथा टेक कर क्षेत्र के खुशहाली की कामना की। आज हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोक पर्व का दिन है, वह इगास है। और इस इगास के अवसर पर मुझे बोरेगांव आने का मौका मिला और यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से एक वृहद मेले के आयोजन हुआ, साथ साथ आज परशुराम जी के, भगवान परशुराम जी के मंदिर में भी उनके दर्शन करने का यहाँ पर मौका मिला, निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत एहसास है। यहाँ पर जिस प्रकार से मातृशक्ति, युवा शक्ति, वरिष्ठ शक्ति सभी जो है इस लोक पर्व पर एकत्रित होकर जो है इस लोक पर्व को उत्सव के रूप में मना रहे हैं और मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। और इस गास और भगवान पर की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं जो है पूरे प्रदेश भर को, पूरे प्रदेश भर की हमारी उत्तराखंड की महिलाएं, युवा, हमारे वृद्धजन सभी को बधाई देती हूँ। और निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने विलुप्त हो रही अपनी संस्कृति को, अपने पर्वों को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसके लिए दामिनी जी की सरकार ने आज विशेष छुट्टी भी घोषित किया है और साथ साथ सब लोग जो है आज इस लोक पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। के इस भगवान के मंदिर में प्रांगण में इतिहास त्यौहार जो पूरे प्रदेश में हमारे जनता की और सरकार की ओर से मनाया जा रहा है, हर स्तर पर सब जगह पर जाएगी। हम अपने क्षेत्र में आए हैं, मैं सभी
बाहर से कितने लोग यहाँ आए हैं, माननीय मंत्री जी आई है, विधायक डेरा खास आई है, तो मैं उन सब लोगों से बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देनी चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सुखी रहें। इतिहास के त्यौहार, ये हमारा एक ऐसा पर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो सैकड़ों साल से एक गडौल, और ये जो हमारा गडौल गांव है वहाँ भी परशुराम भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पूरी में ये तो सैकड़ों साल से मनाया जाता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब पूरे प्रदेश में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, और सरकारी स्तर से पूरी 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 तरह से इसका छुट्टी भी दी गई है और मनाया जा रहा है। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं सभी की स्वास्थ्य होने की और सभी की खुशी रहने की कामना करता हूँ। खास बात यह रही कि रेखा आर्या जी पौराणिक वेशभूषा में बोरी गांव पहुंची। दो दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए कलाकारों तथा समाज सेवी लोगों को मंदिर समिति द्वारा सम्मान स्वरूप पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अमर सिंह चौहान ने बताया कि महाराज की हमेशा अपार कृपा बनी रहती है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। तो आप सभी मीडिया का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँच कर ग्यास मेले का कैबरिंग का जो काम किया है उसके लिए आप सभी का थैंक्स। और बधाई देना चाहता हूँ सभी दूर दूर से आए हुए हमारे स्टार कलाकार जौनसार बावर के लोग गायक यहाँ पे उपस्थित हुए। बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ ग्यास मेला सफल हुआ। दो दिन से लगातार देख रहे होंगे जौनसार के जितने भी स्टार कलाकार हैं, मैं प्रत्येक के नाम नहीं, धर्मेंद्र परमाल है, सीताराम शर्मा जी है, बाबूराम भाई है, अज्जू तोमर है, जितने भी यहाँ पे सभी का नाम संबोधन करना चाहता हूँ। सभी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी और मैं इनको बधाई देता हूँ गांव और क्षेत्रवासियों की तरफ से। और भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो भी संगीत का काम कर रहे हैं इसमें बहुत अच्छा आगे बढ़ने का काम करें। जो कोरोना काल का जो कार्यकाल था उसमें बहुत संघर्ष हमने लड़ा है और हमें बहुत विपत्ति आई है। जौनसार बावर में नहीं, पूरे भारत में कोरोना से बचने के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। कार्यक्रम तो क्या था, कार्यक्रम नहीं हुआ था दो साल से। हमारे दिल में भी एक ठानी थी हमने, गांव वालों ने, समस्त खत वालों ने, कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां करेंगे। और जो आपको साक्षात देखने को मिला है, कोरोना काल दो साल नहीं हुआ उसका सारा असर हमने अभी निकाल दिया है। आज का जो कार्यक्रम लगभग 25,000 लोग यहाँ पे दर्शन करके गए हैं। सभी भक्तजनों को, सभी समाज के जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप आस्था के प्रति बढ़ चढ़ हिस्सा लें और जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो उसमें आप सब लोग शामिल हों। और सभी को शुभकामना देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको मनोकामना पूर्ण करें।